प्रिय छात्रों, मैं डॉक्टर संजय भारद्वाज। आज हम बीए पार्ट थर्ड के सेकंड पेपर शक्ति संतुलन पावर बैलेंस को पढ़ेंगे। ये दो पार्ट में होगा। पहला पार्ट जो है वो आपको बताएगा शक्ति संतुलन जो है उसका अर्थ क्या है, उसके संबंध में ये जो हमारे परिभाषा देने वाले हैं इनके नाम मैं आपको बताऊँगा, और इसके बाद में इसकी अवधारणा क्या है और इसको स्थापित करने के उपाय, बैलेंस ऑफ पावर को कैसे हम स्थापित करेंगे, ये पार्ट फर्स्ट में होगा। और जब हम पार्ट सेकंड शुरू करेंगे तो शक्ति संतुलन से लाभ क्या हैं और हानियां क्या हैं इनको हम पढ़ेंगे। तो ये बहुत ही रोचक है, और बीए पार्ट थर्ड के जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को जानने वाले विद्यार्थी हैं या जो इसमें रुचि लेते हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। पिछली 4 शताब्दियों से यूरोप की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसका अर्थ है विभिन्न राज्यों की शक्ति दो पक्षों में लगभग समान रूप से बटी रहे और कोई भी पक्ष या राज्य किसी अन्य पक्ष या राज्यों पर हावी नहीं हो। रिचर्ड कॉबडेन जो है वो कहते हैं शक्ति संतुलन एक विचित्र उलझन भरा शब्द है जो केवल भ्रमात्मक मिथ्या सत्य नहीं वरन ऐसी अव्यक्त व्यवस्था का परिचायक है जिसकी कभी स्थापना नहीं की जा सकती। श्लीचर कहते हैं शक्ति संतुलन व्यक्तियों तथा समुदायों की सापेक्ष शक्ति की ओर संकेत करता है। क्लॉड शक्ति संतुलन एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें विभिन्न स्वतंत्र राष्ट्र अपने आपसी शक्ति संबंधों को बिना किसी बड़ी शक्ति के हस्तक्षेप के स्वतंत्रतापूर्वक संचालित करते हैं। इस प्रकार यह एक विकेंद्रीकृत व्यवस्था है जिसमें शक्ति व नीति निर्णायक इकाइयों के हाथ में ही रहती है। ठीक है, अब डिकिंसन के अनुसार संतुलन शब्द का प्रयोग समानता और असमानता दोनों ही अर्थों में किया जाता है। लेखा संतुलन का अर्थ होता है समानता, लेकिन जब संतुलन किसी एक के हित में हो तो इसका अर्थ होता है असमानता। तो शक्ति संतुलन का सिद्धांत प्रथम अर्थ का दावा करता है किंतु दूसरे के लिए प्रयत्नशील रहता है। फेने और लॉन जो हैं वो कहते हैं शक्ति संतुलन एक अत्यंत स्पष्ट सिद्धांत है कि अपने पड़ोसी राष्ट्र को इतना शक्तिशाली कभी ना बनने दो कि वह भय का कारण बन जाए। कैसलरे राष्ट्र परिवारों के सदस्यों के बीच ऐसी उचित साम्य व्यवस्था रखना जिसमें उनमें से कोई भी इतना ताकतवर ना हो सके कि वे अपनी इच्छा दूसरों पर लाद सके। अब शक्ति संतुलन एक पद्धति के रूप में अगर हम बात करें तो मार्टिन व्हाइट, AJP टेलर, चार्ल्स लर्च आदि शक्ति संतुलन को एक पद्धति मानते हैं। अर्नेस्ट हाउस ने इसके 8 अर्थ बताए हैं। पहला है शक्ति संतुलन से अभिप्राय है शक्ति का वितरण। सामान्य अर्थ में शक्ति संतुलन का अर्थ होता है शक्ति का वितरण। जब कोई राजनीतिक यह कहता है कि शक्ति का संतुलन परिवर्तित हो गया तो इसका अर्थ है कि उसका विरोधी पहले की तुलना में अधिक शक्तिशाली हो गया। दूसरा शक्ति संतुलन से अभिप्राय है शक्ति की साम्य व्यवस्था, मतलब दो प्रतियोगी राष्ट्रों, गुटों, राष्ट्रों के समूह अथवा प्रतिस्पर्धी दलों में शक्ति की तुल्य भारिता या समानता। तीसरा है शक्ति संतुलन से अभिप्राय है शक्ति की प्रबलता। संतुलन से अभिप्राय होता है शक्ति की प्रबलता। संतुलन शक्ति के वितरण का वह तंत्र है जिसमें प्रत्येक राज्य और उसके मित्र राज्य शक्ति की अति अधिकता हासिल करना चाहते हैं। चौथा है शक्ति संतुलन से अभिप्राय है स्थिरता तथा शांति। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शांति और स्थिरता वाले सिद्धांत संतुलन का सिद्धांत है। संतुलन यथास्थिति की नीति का समर्थन करता है और यथास्थिति से स्थिरता आती है। शक्ति संतुलन से आक्रमण रोकने में मदद मिलने की बात कही जाती है और इसका पक्ष पोषण इस आधार पर किया जाता है कि इससे शांति स्थापित हो सकती है। नेक्स्ट है शक्ति संतुलन से अभिप्राय है अस्थिरता तथा युद्ध। ऐसा भी कहा जाता है कि संतुलन से अस्थिरता तथा युद्ध की स्थिति का निर्माण होता है। प्रथम विश्व युद्ध छिड़ने का कारण यह था कि जर्मनी को यह गलतफहमी थी कि उसकी शक्ति उसके विरोधियों की शक्ति को संतुलित कर सकती है। शक्ति के संतुलन से भय व विश्वास बढ़ता है जिसका परिणाम युद्ध होता है। नेक्स्ट शक्ति संतुलन से अभिप्राय शक्ति की राजनीति। ऐसा भी कहा जाता है कि शक्ति संतुलन के लिए संघर्ष वस्तुतः शक्ति का संघर्ष है। द स्ट्रगल फॉर द बैलेंस ऑफ पावर इन इफेक्ट इज द स्ट्रगल फॉर पावर।
शक्ति संतुलन और शक्ति संघर्ष पर्यायवाची है। पावर पॉलिटिक्स ऑफ प्योर पावर एंड द बैलेंस ऑफ पावर आर हेयर मर्ज्ड इनटू वन कंसेप्ट। नेक्स्ट है शक्ति संतुलन एक सार्वभौमिक सिद्धांत के रूप में। संतुलन एक सार्वभौमिक नियम है, जहां राष्ट्र व्यवस्था होगी वहां किसी न किसी प्रकार का संतुलन अवश्य रहेगा, चाहे यूनान के नगर राज्य हों या इटली के राज्य या द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की विश्व राजनीति। संतुलन के नियम हमेशा ध्यान में रखने चाहिए। नेक्स्ट है शक्ति संतुलन एक व्यवस्था के रूप में तथा नीति निर्माताओं के लिए मार्गदर्शक। संतुलन को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की एक व्यवस्था या तंत्र के रूप में भी देखा जाता है। इस अर्थ में शक्ति संतुलन एक बहुराज्य विश्व में अंतर्राष्ट्रीय